हेलो निरंजन, वेलकम टू माय स्ट्रीम। कैसा है इस बेटा, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तुम्हें मैंने आप लोगों को ग्रामर सिखाना शुरू किया हुआ है, ओके? तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ द सिंपल पास्ट टेंस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये आपको लाइव स्ट्रीम में सिखाऊं, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, है क्या नहीं? तो मैं भी इस तरह से मैं आप लोगों के लिए बहुत बार आने वाली हूँ लाइव स्ट्रीम में, ओके? तो आप लोग एवर रेडी रहे ना, इसके लिए मैं कहती हूँ कि सब्सक्राइब कर बेल का आइकन टैप करके, फिर नोटिफिकेशन का जो ऑल का जो बेल का आइकन होता है ना, उसको अगर आप लोग टैप करते हैं तो आप लोगों को मेरे लाइव स्ट्रीम कभी आने है आप लोगों को, तो फटाफट लाइक्स बढ़ाइए आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ द सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स क्या होता है? पास्ट टेंस यानी जो हो चुका है वो, ओके? जो बीत गया है वो। अभी जैसे अपनी पढ़ाई में हिस्ट्री जो है, हेलो अरुण मोरे, वेलकम बेटा। तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री वॉज अवर पास्ट टेंस, जो हो गया है वो, ओके? तो इस तरह से आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। द सिंपल पास्ट टेंस मीन्स सामान्य भूतकाल। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वॉज कंप्लीटेड इन द पास्ट। गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग प्राची, एंड वेलकम टू माई स्ट्रीम। बेटा ये ग्रामर है, ग्रामर सबके लिए होता है, कॉमन होता है, ओके? तो सारे बच्चे ये देख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर, ओके? द सिंपल पास्ट टेंस। और लाइक भी करना है आप लोगों को, ठीक है? प्लीज लाइक। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या इंडिकेट किया जा रहा है? एक्शन, जो भी काम, दैट वॉज कंप्लीटेड इन द पास्ट, ओके? तो पास्ट टेंस में फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं, ओके? तो पास्ट टेंस यानी जो हो गया है वो। आई वेंट टू द फन फेयर यस्टरडे, तो मैं कल फन फेयर देखने के लिए गया था, ओके? तो ये क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। यस्टरडे यानी कल, ओके? जो हो गया है वो कल। तो मैं क्या देखने गया था? फन फेयर देखने गया था। माय फादर प्लेड क्रिकेट विथ मी लास्ट इवनिंग। मेरे पापा मेरे साथ क्या खेला था? मेरे पापा ने मेरे साथ क्रिकेट खेला था। द वर्ड्स वेंट एंड प्लेड आर वर्ब्स इन द पास्ट टेंस। अभी पास्ट टेंस में वेंट किसका पास्ट है, प्लेड किसका पास्ट है, ये सब आप लोगों को याद करना होगा। और पास्ट टेंस में क्या यूज करने के बाद हम लोग उस सेंटेंस को पास्ट टेंस बना सकते हैं, वो भी आप लोगों को समझना होगा, ओके? सो अभी गो का पास्ट टेंस है वेंट, प्ले का पास्ट टेंस है प्लेड, तो ये तुम लोगों को समझना होगा, लर्न करना होगा, ओके? द वर्ड्स वॉज एंड वेयर आर ऑल्सो वर्ब्स इन द पास्ट टेंस। अभी इज का पास्ट टेंस है वॉज, आर का पास्ट टेंस है वेयर, ओके? तो ये भी आप लोगों को समझना होगा। वी एड टू फॉर्म दिस सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस
फॉर्म करने के लिए लोगों को ईडी सबसे ज्यादा यूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर प्ले का प्लेड किया है ना हम लोगों ने, वैसे मेनी वर्ब्स फॉर्म दी सिंपल पास्ट टेंस इन अदर वेज। हियर आर सम एग्जाम्पल्स। तो सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए कुछ वर्ब्स नॉर्मली यूज किए जाते हैं, तो वो क्या है? जैसे देखो सिंपल प्रेजेंट का हम लोगों ने सिंपल पास्ट किया, ओके का प्लेड हो गया सिंपल पास्ट टेंस। इज इट क्लियर टू यू ऑल? दिख रहा है क्या तुम लोगों को? कैन यू सी? इज इट क्लियर? क्लियरली दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? प्लीज आंसर एनीबडी। ओके, सो वॉन्ट वॉन्टेड, ओके, फिर स्माइल स्माइल्ड, क्रॉस क्रॉस्ड, स्टॉप स्टॉप्ड। डबल पी कहाँ पर लगाना है वो भी समझ लेना तुम लोग। उसके बाद रिमेम्बर रिमेम्बर्ड, ओके, याद रखना है तुम लोगों को, ओके। फिर यहाँ पर देखो सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट करने के लिए हम लोगों ने कौन से वर्ब्स यूज किए हैं? से सेड, टेल टोल्ड, टेल यानी बोला, टोल्ड यानी बोल के हो गया। गो का सिंपल पास्ट है वेंट, डू डिड, कम केम, नो न्यू। अभी बहुत सारे बच्चे हैं ना, उन लोगों को पता नहीं है के एन ओ डब्ल्यू को कुनो बोलते हैं, तो कुनो नहीं कहते उसको, ठीक है? इसमें का जो के होता है ना वो साइलेंट होता है, ओके। जैसे यस आई नो यानी स्पेलिंग लिखते समय तुम लोग को यही लिखना है, के एन ओ डब्ल्यू ही लिखना है, ओके, यानी मुझे पता है। तो नो का के साइलेंट होता है, न्यू के साइलेंट, ओके, किन्यू मत बोलना उसको, किन्यू नहीं कहते हैं उसको, न्यू कहते हैं। ये आई न्यू इट, हाँ मुझे पता था, ओके, इस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ओके। टेक का सिंपल पास्ट है टुक, ड्रिंक ड्रैंक, याद करने हैं ये आप लोगों को, ठीक है? रन रेन, ब्रेक ब्रोक, ओके। उसके बाद है राइट रोट, यहां पर भी W साइलेंट होता है, वराइट मत बोलना उसको, राइट नहीं बोलते हैं, राइट यानी लिखना, रोट यानी लिखा, W साइलेंट, ओके। उसके बाद है फॉरगेट का सिंपल पास्ट है फॉरगॉट, थिंक का सिंपल पास्ट है थॉट, ओके, टी एच ओ यू जी एच टी, थॉट। याद नहीं हो रहा है आपको विथ स्पेलिंग्स, तो फाइव फाइव टाइम्स बिना कोई सुस्ती के बिना कोई आलस के लिख कर ही निकालना है, और लिखते समय स्पेलिंग बोल बोल के लिखना, ओके। कैच का सिंपल पास्ट है कॉट, ओके, तो भी इतना तुम लोगों को समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट, इन लोगों ने हम लोगों को कुछ एक्सरसाइज दिए हुए है, तो एक्सरसाइज ए में एड ईडी सिंपल पास्ट में वर्ब के पीछे हम लोग ईडी यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम, ओके, टू गेट द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ दीज वर्ब्स, ओके। अभी तुम लोगों को मुझे आंसर्स देने हैं, ओके, तो अभी देखो थोड़ा मैं जूम करती हूँ इसको ताकि तुम लोग को दिखाई दे, कोई एक्सक्यूज ही ना हो मुझे, ठीक है? ओ फाल्गुनी बेटा वेलकम। तो अभी तुम लोग मुझे आंसर्स देने वाले हैं, ओके। तो अभी देखो एक इन लोगों ने हम लोग को दिया है वॉक,
वॉकड। सेकेंड है आंसर। आंसर को अभी हम लोग कैसे लिखेंगे पास्ट टेंस में? ओ गुड प्राची, आंसर्ड। ओके अगले भी देख के रखो तुम लोग और लिख के मुझे बताते जाना। आंसर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट राइट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट प्राची। वेट वेटेड WAITED बोल बोल के लिखना आप लोग। यस प्राची एब्सोल्युटली करेक्ट। चैटर्ड CHATTERED ओके फिर यस गो अहेड। यस यू जस्ट हैव टू एड ईडी ओके STAYED यस प्राची एब्सोल्युटली करेक्ट। शोड स्टेड शोड SHOWED शो शोड यस। फॉलो फॉलोड एब्सोल्युटली करेक्ट फॉलोड। हेल्प हेल्प्ड ओके। देखो कितना इजी लग रहा है ना समझ में आने के बाद में। यस अभी लिसन लिसन्ड सुनना ओके। अभी लिसन में भी बच्चे लोग क्या करते हैं लिस्टन बोलते हैं, लिस्टन नहीं बोलना है उसको। इसमें टी जो होता है वो साइलेंट होता है ओके तो लिसन्ड लिसन्ड ओके। यस प्राची एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू ओके। नाउ अभी देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग इन लोगों ने दिया हुआ है हम लोगों को यहाँ पर। सो देखो भाई अभी ये जो है ना एक स्टोरी दी हुई है जो बहुत ही फेमस है ओके और ये तुम लोगों ने पढ़ी हुई भी है सीखी हुई भी है ठीक है। लेकिन अभी यह जो कहानी है ना अभी इसको हम लोगों को पास्ट टेंस सिंपल पास्ट के लिए भी कहानी किस तरह से हमारे काम में आने वाली है वो भी हम लोग देखते हैं ठीक है। अभी मैं ये स्टोरी आप लोगों को रीड करके बताऊंगी। यस मैंने कहा ना आप लोगों को बहुत जन ने इस स्टोरी को सुना भी होगा लिखा भी होगा पढ़ा भी होगा ओके। लेकिन आज हम लोग इसको यूज करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस वर्ब्स ढूंढने के लिए ओके। तो अभी देखो एक्सरसाइज बी रीड द स्टोरी बिलो द पिक्चर एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट टेंस ओके। तो अभी ये कहानी हम लोग अभी रीड करने वाले हैं ओके। तो अभी इसमें के जो भी सिंपल पास्ट टेंस के वर्ब्स है ये मुझे तुम लोग बताओगे ठीक है और मैं उसे अंडरलाइन करूंगी। जैसे एक एग्जांपल इन लोगों ने हमें यहाँ पर दिया है टॉमी वॉज अ ग्रीडी डॉग। ग्रीडी का मतलब क्या होता है प्राची? ग्रीडी यानी किसे कहते हैं ग्रीडी? कम ऑन बोलो। लालची एब्सोल्युटली करेक्ट प्राची। ग्रीडी का मतलब होता है लालची ओके। हाउरेड बोलते हैं ना उसको। तो टॉमी वॉज अ ग्रीडी डॉग एक एग्जाम्पल दिया है वर्ब को अंडरलाइन किया इन्होंने। आगे भी मैं पढ़ रही हूँ आप लोग मुझे वर्ब्स बताओगे और मैं उसे अंडरलाइन करूंगी। आर यू रेडी? तो मैं रीड करूं ओके। सो वंस ही फाउंड अ बिग बोन इन अ गार्डन। तो भाई इसमें का सिंपल पास्ट कौन सा है? हेलो नंदिनी वेलकम। बोलो सिंपल पास्ट कौन सा है इसमें के भी बताओ मुझे। वंस ही फाउंड अ बिग बोन इन अ गार्डन। कम ऑन सिंपल पास्ट अंडरलाइन करना है कौन सा है सिंपल पास्ट? कम ऑन। यस प्राची फाउंड यस एब्सोल्युटली करेक्ट। अ बिग बोन इन अ गार्डन।
He held it in his mouth and went towards the river. Hello, welcome, beta. Held, yes. अभी इसमें के past tense, simple past tense के words को underline करना है हम लोगों को, okay? Yes. He held in his mouth and went. Absolutely correct. Go का past tense है went. Yes, shake. Correct, beta. Towards the river. He crossed a bridge on the river. He, yes, went बराबर है, held बराबर है. He crossed a bridge. Yes, नंदिनी ने सबसे पहले दिया है crossed. Absolutely correct. A bridge on the river. Halfway across, he stopped and looked into the water. अथर्व, ओके बेटा, अथर्व. हाँ, मुझे जरा बीच बीच में नाम याद दिलाना तुम लोग. यस प्राची. ही स्टॉप्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट. हाफवे, हाफवे पास्ट टेंस नहीं आएगा बेटा. यस लुक्ड, ईडी सिंपल पास्ट में मोस्टली ईडी लगाया जाता है. ओके, सो हाफ वे अक्रॉस ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड इनटू द वाटर. ओ, ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन. ये कहानी तुम लोग को पता है ना, सी का ये पास्ट टेंस है बराबर सॉ. यस अथर्व, एब्सोल्युटली करेक्ट. यस प्राची, यस शेख, you are right. He saw his own reflection. He thought it was another dog with a bone in its mouth. Come on. He thought it was another dog with a bone in its mouth. Absolutely correct, Atharva. Prachi. Oh, Bushra. Welcome to my stream, Bushra. Okay, beta. So, he thought is past, yes, and thought ke baad Bushra, come on, answer beta. He thought it was another dog with a bone in its mouth, come on. Thought, T-H-O-U-G-H-T. पहले ये कंप्लीट करो प्राची, अभी तक यहाँ के पास्ट टेंस के वर्ड्स खत्म नहीं हुए वर्ब्स. ही थॉट इट, पास्ट टेंस कौन सा है बताओ. नो नो, अभी वांटेड आगे है. अभी जो मैंने रीड किया उसमें के ही बताओ मुझे, जो मैंने रीड नहीं किया है उसमें का मत बताओ मुझे. यस अथर्व, वाज इज ऑल्सो पास्ट टेंस ना बेटा. प्राची, what are you doing? You are only looking for ED now, okay? So don't do that mistake. I thought it was another dog with a bone in its mouth, okay? Now I am going to read. Ek minute bhai, mera book aage nahi ja raha, okay? Ha. So, yes, correct, Bushra. Tommy was greedy. Tommy was greedy. जो मैंने read किया उसमें से ही बोलो मुझे, कौन सा verb है past tense? Yes, Bushra. Bushra. Yes, Atharv was. Atharv ने सही answer दिया, was. Tommy was greedy, यानी लालची था वो. He wanted the other bone too. Come on, प्राची, Bushra, Atharv. Yes, wanted. He wanted the other bone too. He growled at the other dog.
He growled at the yes, Atharva. Growled is correct. He growled at the other dog. Yes, Prachi. Absolutely right, beta. Okay. No, no. He नहीं आएगा बेटा. He यानी वो boy है ना, उसको he बोलेंगे. कहाँ गया he? हाँ, he growled. यानी उसने भौंका. सामने जो उसको दिखा उसका reflection, वहाँ पे उसने भौंका. Okay. The other dog growled back. The other dog growled back. Yes, Bushra. Now you got it. Yes, अभी दूसरा जो डॉग था उसका रिफ्लेक्शन था, उससे वही था वो, तो वो भी अभी उसके ऊपर भौंकने लगा. टॉमी वॉज एंग्री. यस प्राची, करेक्ट. ग्रोल्ड इज एब्सोल्युटली राइट. टॉमी वॉज एंग्री. यस प्राची. यस अथर्व, राइट. टॉमी वॉज एंग्री. ही barked at the other dog. He barked at the other dog. Yes, Atharva. Barked is absolutely correct. Yes, barked. B-A-R-K-E-D. Barked. Barked yani kya? नो, एंग्री नहीं आएगा बुशरा, ब्लर है. ओ अभी अभी क्लियर है. हाँ, बाप्ड अभी क्लियर है. ओके, थैंक यू. सो एज ही डिड सो द बोन from his mouth fell into the water. Come on. Yes, Prachi, did. Absolutely correct. Yes. Yes, fell. Fell is absolutely correct. Atharva. Yes. Okay, beta. Thank you. ब्लर वगैरह दिखा दे तो मुझे प्लीज बताना तुम लोग. ओके, यस. टॉमी लॉस्ट द बोन इन हिज माउथ बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड. कम ऑन. यस प्राची, लॉस्ट. ग्रीड की वजह से उसके मुंह से वो बोन था, वो गिर गया. यस अथर्व, एब्सोल्युटली राइट. यस बुशरा, राइट बेटा. ओके, देखो भाई, अभी किसी किसी के नेट स्लो चलते हैं, किसी किसी के आंसर मुझे लेट आते हैं. ओके, सो आई कैन अंडरस्टैंड. ग्रीड नहीं आएगा बेटा. ग्रीड यानी लालच होता है बुशरा. पास्ट टेंस के जो वर्ड्स होते हैं ना, उसे हमें अंडरलाइन करना है बेटा. ग्रीड, अच्छा. ओके, तो अभी ये तुम लोगों को क्लियर हो गया. अभी इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है इसमें? हम लोगों ने इस कहानी में से पास्ट टेंस के जो वर्ड थे सिंपल पास्ट टेंस में, वो हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिए. आपने बताया मैंने किया है. ओके, तो मैं ऐसे समझती हूँ कि आपने समझ लिया है. और जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर, और अगर उन लोगों ने नहीं देखे हैं मेरे पिछले ग्रामर के वीडियोस ना बच्चों, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, ग्रामर में जाइए, आप लोगों को सारे वीडियोस मिल जाएंगे. अगर बेसिक आपको समझ में नहीं आएगा ना बच्चों, तो आगे का इंग्लिश कुछ नहीं समझ में आएगा. ओके, ओह थैंक यू, थैंक यू वेरी मच बच्चों. ये आपका प्यार ही है ना जो मुझे इतना एनकरेज करता है. ओके, अभी देखो आगे इन लोगों ने हम लोगों को और भी कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है. ओके, चलो, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है इसमें. अभी देखो भाई, एक्सरसाइज 3 अभी हम लोगों को सॉल्व करना
है. वेरी गुड. यही चाहिए मुझे, आपको समझ में आना चाहिए तो ही फायदा है, वरना कुछ फायदा नहीं. ओके नाउ सी एक्सरसाइज 3. सी चूज वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स. वेट वेट प्राची, जल्दबाजी नहीं करना है हमको बच्चा. देखो अभी सुनो, यही तो प्रॉब्लम होता है ना. हेलो बेटा, वेलकम. जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, अथर्व घाड़ी, बेटा तू आत्ता आलास ना रे राजा. मग आता खूप आम्ही शिकून झालेला आहे. आता हे लाईव्ह स्ट्रीम संपल्यानंतर तू परत बघ, पण मी परत एकदा एक्सप्लेन करते तुमच्यासाठी. प्राची जल्दबाजी मत करना. अभी इन लोगों ने हमें क्या कहा है देखो. यहाँ पर कुछ उन लोगों ने हम लोगों को बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से हम लोगों को सिलेक्ट करके ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है. बहुत हंसी आती है. यही तो जल्दबाजी है ना तुम लोगों की, बैंड बजाती है तुम लोग का एग्जाम में. ठीक है, तो अभी ये मत करना तुम लोग. ठीक है, तो अभी बॉक्स में क्या क्या है. ब्लीव है, फॉरगॉट है, हेल्प्ड तो उन लोगों ने दिया है. नॉक्ड, पुल्ड, रैन, सैंग, शॉट, स्लेप्ट, यूज्ड. ओके, तो अभी हम लोग ये तुम लोगों ने देख लिया क्या. तुम लोगों को लिखना है तो लिख लो तुम लोग, क्योंकि अभी मैं घड़ी घड़ी नीचे ऊपर करने वाली नहीं हूं. लिख लो तुम लोग, अगर लिखना है तो तुम लोग को फिर मुझे आंसर देना फटाफट. ऋषभ पाटील, वेलकम टू माय स्ट्रीम. आणि आज आपण शिकत आहोत सिंपल पास्ट टेन्स. ओके, हा व्हिडिओ झाल्यानंतर तुम्ही एकदा परत पूर्ण हे लाईव्ह स्ट्रीम बघा. अतिशय महत्त्वाचं आम्ही हे शिकलेलो आहोत. ओके चलो, तो फिर मैं अभी स्टार्ट करती हूँ. चलो प्राची, आर यू रेडी. अच्छा स्क्रीनशॉट. अच्छा हाँ रे बाबा, तुम लोग तो बहुत ही एडवांस हो. हम लोग ही है बुद्धू, अभी भी लिखते बैठते हैं. ओके चलो, तो अभी हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करते हैं. रीड करना. आई हेल्प्ड एन ओल्ड लेडी क्रॉस अक्रॉस द स्ट्रीट. यहाँ पर पिक्चर भी दिया हुआ है. ओके नाउ टू. मोहन डैश एट अबाउट 9 PM लास्ट नाइट. कम ऑन. मोहन डैश एट अबाउट 9 PM. यस अथर्व, एब्सोल्युटली करेक्ट. स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट. एट अबाउट 9 PM लास्ट नाइट. यस बुशरा बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ नेक्स्ट. द डेंटिस्ट डैश आउट माई टूथ. स्लेप्ट, ऋषाली स्लेप्ट म्हणजे झोपला. होता त्री पुल्ड. येस द डेंटिस्ट पुल्ड. बहुत बुरे होते हैं ये डेंटिस्ट, है ना. किसको किसको पसंद है डेंटिस्ट के पास जाना. डेंटिस्ट के पास जाना किसको किसको पसंद है. मुझे तो ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो डेंटिस्ट का, वो मशीन का आवाज आता है ना छर्र, तो मेरे तो ऐसे पूरे बॉडी में छर्र होने लगता है. सच्ची सच्ची बोलो. यस द विक्ड हंटर किल्ड द डियर एज इट. यस द विक्ड हंटर किल्ड द डियर एज इट. गुड ट्राई पाटिल. अच्छा फॉरगेट. द विक्ड हंटर किल्ड द डियर एज इट.
देखो भाई, इसमें से पहला बोलो, द विग्ड हंटर किल्ड द डियर एज इट कम ऑन प्राची, नाउ यू कैन आंसर ना बच्चा. सी आई अथर्व, एक मिनट हाँ, लेट मी यस द विक्ड हंटर शॉट द डियर एज इट रेन. किल्ड कहाँ था रे इसमें? मेरा भी दिमाग शॉर्ट हो गया क्या? किल्ड नहीं है ये, शॉट है. वही मैं सोचू क्या गड़बड़ हो रहा है करके. अच्छा, द विक्ड हंटर शॉट द डियर एज इट रेन, उसको भागने के पहले ही उसने मारा. ओ शीला वेलकम बेटा. ओके नाउ नेक्स्ट, द लिटिल बर्ड डैश स्वीटली. लिटिल बर्ड प्राची रैन नहीं, बर्ड रैन कहाँ करेगा बेटा, भागेगा कहाँ पर बर्ड? द लिटिल बर्ड क्या करते हैं, बर्ड की आवाज आती है हम लोग को, ब्लू नहीं सैंग, एस ए एन जी, लिटिल बर्ड सैंग स्वीटली, उसने बहुत स्वीटली गाना गाया. ओके नाउ प्राची प्लीज कैन यू फोकस हियर. नीलेश डैश अ शार्प नाइफ टू कट दी एप्पल. नीलेश यूज्ड, नीलेश यूज्ड अ शार्प नाइफ. अरे भाई ये नाइफ में भी ना बहुत सारे बच्चे नाइफ पढ़ते हैं, तो ये नाइफ नहीं होता है, इसमें के जो होता है वो साइलेंट होता है, उसे नाइफ कहते. ओके नाइफ यानी चाकू छुरी. नीलेश यूज्ड अ शार्प नाइफ टू कट दी एप्पल, यस यूज्ड. सेवन निक्की, रुको मैं जरा नीचे लेती हूँ ताकि ये ना प्राची बहुत भूल जाती है. निक्की डैश टू ब्रिंग द कीज, अभी बोलो भाई. हाँ थैंक यू प्राची, एट लास्ट आपका फॉरवर्ड आ गया. निक्की फॉरगॉट टू ब्रिंग द कीज, चाबी लाना वो भूल गई. ओके नाउ एट, अ स्ट्रॉन्ग विंड डैश एंड डैश द वास ऑफ द टेबल. अ स्ट्रॉन्ग विंड डैश एंड डैश, अभी नीचे दिखाई दे रहा है तुम लोगों को. ओके तो तुम लोग वो हिसाब से अभी मुझे आंसर्स दो. तुम लोग अभी भी बोल सकते हैं ना बच्चों. अ स्ट्रॉन्ग विंड यस प्राची ब्लू, यस नॉक्ड अ स्ट्रॉन्ग विंड
ब्लू यानी हवाएं भेजती है ना वो, ओके। एंड नॉक्ड, नॉक्ड कहते हैं उसको, नॉक्ड मत बोलना। यस एब्सोल्युटली राइट। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू एंड नॉक्ड द वास ऑफ द टेबल। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा है सब क्लियर है कि यस? एब्सोल्युटली करेक्ट। बच्चे आ गए अभी स्कूल से, अभी पूरा धमाशान मचाया है बाहर बच्चों ने। ओके ओके, किसी को कोई डाउट है अभी इसमें? और जो जो मैंने तुम लोगों को याद करने के लिए कहा है ना, वो प्लीज तुम लोग याद करके रखना है। और स्टार्टिंग से ग्रामर के सारे वीडियोस देख लेना तुम लोग, ओके। और इसे तुम्हें भूलना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी तुम लोगों को ये समझ में नहीं आया ना बच्चों, तो आगे तुम लोगों को बहुत डिफिकल्टीज होगी, नहीं तो फिर से तुम लोगों को ठीक है। तो ये गलती, रीडिंग करते रहना, बुक्स रीड करने में बिल्कुल भी सुस्ती मत करना, हो सके उतना मोबाइल दूर रखना अपने आप से, ठीक है। बहुत अर्जेंट है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोबाइल मत यूज़ करना तुम लोग, वो तुम्हारे मेमोरी के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। ओके, नहीं नहीं होता है कि मैं सेम टाइम ही टीच करती हूँ, मैं कभी मॉर्निंग में भी आपके भी आती हूँ, इवनिंग में भी आती हूँ, ठीक है। और अभी मैं और सारे वीडियोस भी बनाती हूँ, अपलोड भी करती हूँ, फिर मराठी भी चैनल है मेरा, उसमें भी मैं सेमी इंग्लिश के बच्चों के लिए और मराठी मीडियम के बच्चों के लिए भी वीडियोज़ बनाती हूँ, ठीक है। तो सब मेरा कुछ डेफिनेट नहीं है टाइम, ओके। तो अभी देखो कितने बच्चे शोर मचा रहे हैं बाहर, इसके लिए मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादातर लाइव स्ट्रीम करना, लेकिन ठीक है ना, अभी हम लोग भी कितना कुछ कर सकते हैं, है क्या नहीं? कितने दिन हम लोग अवॉइड करेंगे ऐसे, ताकि मुझे भी तुम लोगों से बात करने को बहुत पसंद है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलो तो भाई, हमारा ये जो है सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।